हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द पोयम द एंट एंड द क्रिकेट। एंट जो होती है, एंट क्या होती है? चींटी। और क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, झिंगुर। ओके, तो एंट्स क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि एंट्स बहुत हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड होती है। और क्रिकेट को कैसा बताया गया है यहाँ पर पोयम में? लेजी और केयरलेस, आलसी और लापरवाह बताया गया है। तो पोएट हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें एंट की तरह डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ना कि क्रिकेट की तरह लापरवाह होना चाहिए। अब हम पोएम में रीड करेंगे किस तरह से लापरवाही की वजह से क्रिकेट को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओके, इट इज़ एडेप्टेड फ्रॉम एसएफ्स फेबल। ये एसएफ्स की फेबल्स से ली गई है। एसएफ्स कौन है? पर्सन है जो फेबल्स लिखते थे। फेबल्स क्या होती है? मोरल स्टोरीज होती हैं, शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं जिनमें एनिमल्स को एज ए करेक्टर यूज किया जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम। ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। ए सिली मीन्स होता है मूर्ख, एक मूर्ख छोटा क्रिकेट था। अकस्टम मीन्स आदि होना, हैबिचुअल होना। उसको किसकी आदत थी? गाने की। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। कब थ्रू होता है? दौरान। किस दौरान गाता था वो? समर और स्प्रिंग, गर्मी के और बसंत के। वार्म मीन्स गर्म, सनी मीन्स धूप से खिले हुए, और गे मीन्स होते हैप्पी, सुहावने मौसम के दौरान वो क्या करता था? गाता रहता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। बिगेन मीन शुरू कर देना, और उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। कंप्लेन मीन शिकायत। व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया, दैट एट होम घर पर, हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, उसकी कबर्ड थी मींस जो अलमारी थी वो खाली थी। एंड विंटर वाज कम, और सर्दी आ चुकी थी। नोट ए क्रम टू बी फाउंड। क्रम होता है पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा। तो उसे एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जब सर्दी आ गई तो सारी धरती क्या थी? बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो बर्फ़ से ढकी उस धरती पर उसे ना तो कोई रोटी का टुकड़ा मिला, नोट ए फ्लावर कुड ही सी, ना ही उसे कोई एक फूल दिखा, नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, और ना ही उसे किसी पेड़ पर एक पत्ता दिखा। इस स्टंजा में हमें पोइट क्या कह रहे हैं कि जो सिली यंग क्रिकेट, क्रिकेट को सिली मूर्ख बोला है, क्योंकि वो क्या करता था? जब गर्मी का और बसंत का सुहावना, गर्म धूप से खिला हुआ मौसम था, उस तरह वो क्या करता रहता था? उस सुहावने मौसम में सारा दिन बस गाता रहता था। उसने कोई हार्डवर्क नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की। और जब लेकिन सर्दियाँ आने लगी तो उसने क्या सोचा? सर्दी आ गई तो उसे सर्दी में ओबियसली बाहर नहीं निकल सकता। तो अब वो परेशान हो रहा है कि उसकी जो कबर्ड है बिल्कुल खाली है, और चारों तरफ ठंड है, कोई फूल भी पत्ता कुछ नहीं दिख रहा है। वो क्या करेगा? अब वो परेशान है। ओके, सेकंड स्टेंजा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। एट लास्ट, अंत में, आखिर में। स्टारवेशन क्या होती है? भूख। और फेमाइन मीन क्या होता है? अकाल। बेट बोल्ड, बोल्ड क्या होता है? साहसी या निडर बना देना। अब वो इतना ज़्यादा भूखा था और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो स्टारवेशन मीन्स भूख ने और अकाल ने उसे बोल्ड बना दिया, मीन्स निडर बना दिया। अब उसने सोचा अब तो मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ओल्ड ड्रिपिंग विद बैड, ड्रिपिंग होता है बूंदें टपकना, तो बूंदों की वजह से बारिश से पूरा भीग कर। ओल्ड ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, ट्रैम्बल होता है कांपना, और पूरा तरह से ठंड से कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंट। सेट ऑफ होता है चल दिया, माइजरली मीन्स क्या होती है? कंजूस। अब वो पूरी तरह से भूख से परेशान था, तो क्या हुआ? एक कंजूस चींटी के पास चल दिया गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए मार्फुल ऑफ ग्रेन। अब वो क्या कह रहा है? देखते हैं कि अगर ही कीप हिम अलाइव, अब एंट के लिए कह रहा है कि वो उसे जिंदा रखने के लिए, ही वुड ग्रांट होता है देना, शेल्टर फ्रॉम रेन, वो बारिश से बचने के लिए उसे शेल्टर मीन्स रहने की जगह देगी। ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, माउथफुल मीन्स पेट भर, ग्रेन मीन्स अनाज, उसे अनाज देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, अब वो कह रहा है कि उसकी ये इच्छा थी कि ओनली टू बोरो, बोरो मीन्स होता है उधार लेना, वो उसे सिर्फ उधार लेना चाहता था। ही वुड रिपीट टुमारो, रिपे मीन्स होता है वापस लौटाना। वो कह रहा है एंट को कि एक बार उसे हेल्प चाहिए, वो ये सब टुमारो मीन्स कल जब भी उसके पास होगा तो वो ये सब वापस लौटा देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर वो चींटी ऐसा नहीं करेगी, इट मीन्स अगर चींटी हेल्प नहीं करेगी तो वो डाई मीन्स मर जाएगा भूख से, और सोरो मीन्स दुख से। तो सेकेंड स्टेंजा में हमें क्या बताया गया है? अब जो झिंगूर है, क्रिकेट है, उसने अपना समर का जो सीजन था और स्प्रिंग का सीजन था वो पूरा मौज मस्ती में बिताया है, जो सुहावने दिन थे। अब लेकिन जब ठंड पड़ गई है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो हेल्प के लिए कहाँ गया है? एक चींटी के पास गया, और उसे कह रहा है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगी तो वो भूख से और सोरों से मर जाएगा। नेक्स्ट,
सेज द एंट टू द क्रिकेट. अब जो एंट है वो क्रिकेट से क्या कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, तुम्हारी हेल्प भी करने वाली हूँ, तुम्हारी दोस्त भी हूँ. बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड. लेकिन हम जो एंट्स होती हैं, हम जो चींटियाँ होती हैं, वो नेवर बोरो होता है उधार लेना. हम ना तो कभी किसी से उधार लेती हैं, और नेवर लैंड ना ही लैंड होता है उधार देना, ना हम किसी को उधार देती हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन वो कह रहे हैं कि डियर क्रिकेट मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, ले नथिंग मीन्स होता है जमा करना, क्या तुमने कुछ जमा नहीं किया. वैन द वेदर वॉज वर्म, जब मौसम वर्म था, गर्मी के दिन थे, अच्छे दिन थे, तो क्या तुमने कुछ भी नहीं सेविंग की. क्यों था क्रिकेट नोट आई, क्यों तो कमिंग है सैड, क्रिकेट ने क्या कहा, नोट आई, नहीं मैंने नहीं किया. माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, मेरा जो दिल था, हृदय था, इतना हल्का था, मीन्स इतना अच्छा फील कर रहा था, कि आई सेंग डे एंड नाइट, मैं सारे दिन और रात बस गाता रहा. फॉर ऑल नेचर लुक के, क्योंकि जो सारा नेचर था, सारी प्रकृति थी, वो क्या थी, गेम इज हैप्पी, बहुत सुहावनी, बहुत अच्छी थी, तो मैं सारे दिन और रात गाता ही रहा. यू सेंग सर यू से, अब एंट बोल रही है कि सर आपने क्या कहा, आप गाते रहे, यू सेंग. गो दैन, अब चीटी क्या कह रही है, गो दैन, तब चले जाओ, सेज दैन, चीटी ने कहा, एंड डांस द विंटर अवे. अब चीटी गुस्से में से क्या कह रही है, कि अगर तुमने सारे अपने समर को, सुहावने दिनों को अब गाते हुए बिताया है, तो अब ये जो विंटर का सीजन है, सर्दी का, इसे नाचते हुए बिताओ. दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, दस एंडिंग, इस प्रकार उनकी बात एंड हो जाती है. ही हैस्टिली होता है जल्दी से, लिफ्टेड द विकेट, अब चीटी ने जल्दी से विकेट उठाई, लिफ्ट होता है, लिफ्टेड मीन्स उठाई, एंड आउट ऑफ द डोर टर्नड अ पुअर लिटल क्रिकेट, पुअर लिटल क्रिकेट, बेचारे छोटे क्रिकेट को टर्नड आउट द डोर मीन्स दरवाजे से बाहर निकाल दिया. फोक्स कॉल दिस ए फेबल, अब यहाँ पे जो पोइट है वो कह रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं, ये फेबल है, कल्पना है. आई विल वांट इट ट्रू, लेकिन पॉइंट क्या कह रहे हैं कि मैं इसे सच साबित करता हूँ, सच सिद्ध करता हूँ. सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स, कुछ क्रिकेट्स के चार टांगे होती हैं, सम हैव टू. डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लास्ट स्टैंजा है, इसमें हमारा सारा मोरल छिपा हुआ है. अब इस स्टैंजा में हमें पॉइंट बता रहे हैं कि मैं इसको सही साबित करता हूँ, क्योंकि कुछ क्रिकेट क्या होते हैं, उनके टू लेग्स भी होती है. टू लेग्स यहाँ किसके लिए आया है, ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए आया है. अब यहाँ पे पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि जैसे वो क्रिकेट लेजी है, उसने कुछ भी नहीं किया, इस तरह से कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं इस धरती पर, जो अपने एनर्जेटिक जो डेज होते हैं, जब उनमें पूरी पावर होती है और वो उनके पास बहुत टाइम होता है, तो उन दिनों को वो मौज मस्ती में बिता देते हैं, हार्डवर्क नहीं करते हैं, सेविंग्स नहीं करते हैं. लेकिन जब उन पर मुसीबत आती है, तो वो क्या करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, रिलेटिव से किसी से हेल्प मांगते हैं. तो वो कह रहे हैं कि हमें एंट्स की तरह, पोइट हमें समझाना चाह रहे हैं एंट्स और क्रिकेट के थ्रू, कि हमें एंट्स की तरह क्या बनना है, हार्डवर्किंग बनना है, डिसिप्लिन बनना है, सेविंग्स करनी है, अपने जो टाइम को यूज़ करना है, और ना कि क्रिकेट की तरह केयरलेस बनना है, लेजी बनना है, ताकि हमारे ऊपर जब मुसीबतें आएँ, तो हमें इधर उधर ना भटकना पड़े. ओके, टुडे योर होमवर्क इज टू रीड द पोएम केयरफुली एंड लर्न एंड राइट वर्ड मीनिंग्स. ओके.